आज बनाएंगे हम साबूदाना वड़ा, बहुत ही यमी, क्रिस्पी और क्रंची, और साथ में हरी धनिया की चटनी, वो भी झटपट बनने वाली। तो स्वागत है आपका मोमसी किचन में। आइए देखते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। चटनी के साथ साबूदाने वड़े का तो मज़ा ही अलग है, और व्रत में आप इसे और ख़ास बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट डाल सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगी। बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे झटपट बना सकते हैं। आइए देखते हैं मैंने इसमें क्या अलग किया है और इसे कैसे बनाया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साबूदाना बड़ा है तो सबसे पहले हम साबूदाना लेंगे। यहाँ पर मैंने ये देखिए 4 बड़े चम्मच साबूदाना 2 घंटे तक भिगो कर रख लिया था, सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 तरीके से साबूदाना यूज़ किया है। एक तो ये वाइट साबूदाना जिसे मैंने छान कर अब सूखने के लिए रख दूँगी, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हम इसे यूज़ करेंगे। एक साबूदाना जो आप ये कलरफुल देख रहे हैं, तो ये कलरफुल कैसे है ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा रुक के। तो चलिए देखते हैं ये 2 कलर के साबूदाने से मिलकर जो हमारा साबूदाना बड़ा तैयार होगा वो कितना अच्छा सा तैयार होगा। तो दोनों को मैंने 2 घंटे भिगोकर छानकर रख दिया है आधे घंटे के लिए। बाकी इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है यहाँ पर पहले तो चटनी का सामान, जिसमें हरा धनिया, 2 टमाटर जिसे कि आप बॉयल करके छिलका उतार लीजिए या फिर भून कर इसका छिलका उतार लीजिए, इमली पल्प ले लीजिए 2 चम्मच, नमक स्वाद के हिसाब से, हरी मिर्च यहाँ पर 6 से 7। अब चलिए सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। करारी कितनी रखनी है ये आपके ऊपर है, मिर्चा कम करना चाहें तो थोड़ी सी कर सकते हैं, इमली पल्प की जगह दही यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि चटनी हमारी अच्छी कंसिस्टेंसी की तैयार होगी। तो पीस कर सबसे पहले ये देखिए मैंने झटपट से चटनी तैयार कर ली है। तो इस चटनी का स्वाद बहुत ही मज़ेदार होता है, झटपट बन भी जाती है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए चटनी को अलग करके रख देते हैं। अब बनाएंगे हम साबूदाने के वड़े, तो उसके लिए क्या लिया है वो भी देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है नमक स्वाद के हिसाब से, आमचूर पाउडर 1/3 चम्मच, धनिया ले लीजिए साथ में 8-10 करी पत्ता, करी पत्ते से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और हरी मिर्च और साथ में अदरक, और साबूदाना आप देख ही रहे हैं लिया है, और मूँगफली दरदरी पिसी हुई 3 चम्मच। सबसे पहले हम जो हमने करी पत्ता लिया था उसको हम लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, आप बारीक टुकड़े भी काट सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा नया किया है, आप भी धनिया के साथ इसे ज़रूर डाल कर देखिएगा, बहुत ही अलग टेस्ट आएगा, अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आलू मैंने मीडियम 4 लिए हैं, जिसे हम यहाँ पर ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से इसमें कोई भी गुठली नहीं रहेगी, तो बहुत अच्छी तरीके से आपके स्मूथ से वड़े तैयार होंगे, फटेंगे नहीं। तो आलू सारे ग्रेट करने के बाद जो मसाले दिखाए मैंने, आमचूर पाउडर, नमक, अदरक यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 इंच, यानी ज़रा सा अदरक, ना डालना चाहे तो ना डालें, आपकी चॉइस है, हरी मिर्च ज़रूर डाल दें इसमें, और करी पत्ता और हरा धनिया, जिससे कि इसका बहुत बेहतरीन स्वाद आने वाला है। ये सब डालकर अब इसमें हम साबूदाना यूज़ करेंगे। तो 2 कलर के साबूदाना मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जो दूसरे कलर वाला था वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि वो मैंने चुकंदर के पानी में भिगोया था, जिससे कि उसका बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो चुकंदर के पानी में 2 घंटे तक आप भिगो कर रखिए, तो बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा, डार्क पिंक शेड का, और ये देखने में बहुत ही अच्छा वड़ा आपका तैयार होगा। आलू हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब इसके वड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपको हाथ को गीला करना है, जिससे कि आलू चिपकेंगे नहीं, और दोनों हाथ में इस तरीके से इधर उधर करते हुए इसकी एक चिकनी सी बॉल तैयार करेंगे हम। पानी ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो ये आलू चिपक जाएंगे और आपका वड़ा नहीं तैयार होगा। बॉल बनाने के बाद इसे थोड़ा सा चपटा कीजिए टिकिया की तरह, और उंगली से बीच में इस तरीके से दोनों तरफ से आप छेद कर दीजिए, तो ये वड़े की शेप भी ले लेगा, और साइड से इसे थोड़ा सा हम सेट कर देंगे, जिससे कि तलते समय ये बिल्कुल फटे ना। इसी तरीके से हमने सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं, तो ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं वड़ा स्टाइल। तो टिकिया भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस स्टाइल से बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम वड़े सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तलने से पहले सारे तैयार रहेंगे तो फटाफट से हम तल कर इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है और कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब मैंने घी यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पर इसे आपने पकाना है। तो जैसे ही ये अच्छे तापमान में गर्म होगा हम इसमें वड़े डालकर फ्राई करेंगे। तो
तो यहाँ पर अभी मैंने एक बार में 5 वड़े बनाए थे, वो सारे मैंने डाल दिए हैं। ध्यान ये रखना है कि ये घी में अच्छी तरीके से डूबे हुए होने चाहिए। इन्हें आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है, अलटना पलटना बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 1.5 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट के बाद जब आप इसे पलटेंगे तो ये थोड़े से आपस में जुड़ चुके होंगे, बाइंडिंग अच्छी हो चुकी होगी, तो ये टूटेंगे नहीं। तो अब हम इन्हें पलट कर 1.5 मिनट तक इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। तो इस तरह से जब हम फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर तक साबूदाना इसका पककर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए 1.5 मिनट और हो गया है, हम इसे पलट दे रहे हैं। देखने से आपको पता लग रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हो गए हैं, क्योंकि इनमें सुनहरा कलर आ चुका है। और एक बार अगर हम इसे पलट कर तैयार करेंगे तो ये अच्छी तरीके से दोनों तरफ से तैयार हो जाएंगे। अब इसी सुनहरे कलर में आपने इसे बाहर निकाल लेना है। धीमी आंच पर पकाने से ये होता है कि इसमें क्रिस्पी और क्रंची बहुत अच्छा हो जाता है और यम्मी तो ये होता ही है। तो अब मैंने सारे वड़े बाहर निकाल लिए हैं। तो इसी तरीके से आपने वड़ों को तैयार करना है। तो अब आप करीब से भी देखिए वड़े कितने अच्छी तरीके से तैयार हुए हैं। 5 के 5 वड़े बनने बनाए थे, उसमें से एक भी मेरा ख़राब नहीं हुआ है। तो बस आपने बहुत ध्यान से पानी लगाकर इसे बनाना है। अभी मैं एक वड़ा आपको उठाकर भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा सा क्रिस्पी लग रहा है ये, इसकी लेयर कितनी स्मूथ हो गई है और साबूदाना भी इसमें कितना अच्छा लग रहा है। और छेद भी देखिए बंद नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। अब आप इसे इमली की चटनी, हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। व्रत में इसे आप खाइए, बहुत मज़ेदार लगेगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।